हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू। चलो बच्चों, आप स्क्रीन पे देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 1। आज बच्चों हम ये पूरे क्वेश्चंस प्रोविजन फॉर टैक्स से जुड़े हुए देख रहे हैं। पूरा क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इसके बाद व्हाइट बोर्ड के ऊपर पूरा क्वेश्चन समझाऊंगा बच्चों। तो जो बच्चों को फाइनल अकाउंट्स के फुल क्वेश्चंस प्रॉब्लम कर रहे हो, वो ऑप्शंस में ये पोर्शन आता है या उसके साथ बी में छोटा पोर्शन आता है जो तैयार कर सकते हैं। फॉलोइंग आइटम्स अपीयर्ड इन द ट्रायल बैलेंस शीट ऑफ भूसा लिमिटेड। उसके बाद बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्स 60,000, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स 53, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स करंट ईयर 65, पैराग्राफ में बच्चों 17-18 का टैक्स कंप्लीट हुआ और टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइंड हुई 53,000, प्रोविजन फॉर टैक्स है 17,000। हाउ वुड यू शो द अबव इंफॉर्मेशन इज फाइनल अकाउंट? तो सबसे पहले बच्चों इसमें 1/4/18 लिखा है, पहली दो लाइन टेबल में वो लास्ट ईयर का डेटा है, 18-19 करंट ईयर है बच्चों। तो 3 या 4 पॉइंट लास्ट ईयर के हैं और 2 पॉइंट करंट ईयर के हैं। हाउ टू शो इन फाइनल अकाउंट? तो इसके बाद बच्चों आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर पीएनएल और बैलेंस शीट में 5 लाइन है, 5 पॉइंट है, 5 वैल्यू है रुपीस में, उसकी असर कैसे होती है मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जय माता जी। डियर स्टूडेंट्स, FABCOM सेमेस्टर 1 के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 सब्जेक्ट में अंदर बच्चों फाइनल अकाउंट्स का ऑप्शनल पार्ट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, टैक्स प्रोविजन। हर एक क्वेश्चन के आगे बच्चों सम का पीडीएफ कॉपी आएगा जिसको मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि कई बच्चों के पास टेक्स्ट बुक नहीं होगी बच्चों, तो मैं टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी समझे उसका पीडीएफ रख दूंगा। यूट्यूब के अंदर नीचे वीडियो लेक्चर में लिंक भी रख दूंगा बच्चों, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। मोस्टली ये टैक्स प्रोविजन का पार्ट है जो फाइनल अकाउंट्स के फुल क्वेश्चंस के ऑप्शन में आता है। आज हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 1, पेज नंबर 399, प्रोविजन फॉर टैक्स। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। द फॉलोइंग अपीयर्ड इन द ट्रायल बैलेंस शीट ऑफ उषा लिमिटेड। सबसे पहले प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 60,000, हमें 19 के अकाउंट लिखना हो बच्चों, तो 1418 होता है ओपनिंग बैलेंस। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स 1418, एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स 65 ड्यूरिंग द ईयर, पैराग्राफ असेसमेंट फॉर द ईयर 17-18 हैज बीन कंप्लीटेड, 18-19 टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइंड 53, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स फॉर करंट ईयर इज 70,000। हाउ वुड यू शो द अबव इन्फॉर्मेशन इज फाइनल अकाउंट ऑफ उषा? अब बच्चों आप उषा के फाइनल अकाउंट्स में सारे इन्फॉर्मेशन कैसे बताओगे वो आपको देखना है। रेडी बच्चों? चलो सबसे पहले मैं इन्फॉर्मेशन को दो पार्ट में बांटूंगा। सबसे पहले लिखूंगा मैं लास्ट ईयर इन्फॉर्मेशन। ओके, लास्ट ईयर का मीनिंग क्या होगा बच्चों? 2017-18। यस, ओके। सबसे पहले बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्स 1418, वैल्यू है बच्चों 60,000। उसके बाद है बच्चों एडवांस टैक्स पेड, वो भी 1/4/18 यानी 17/18 वैल्यू समझोगे 53,000। और उसके बाद बच्चों पैराग्राफ में असेसमेंट फॉर द 17-18 बिकम कंप्लीटेड एंड 18-19 टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन 53,000। उसके बाद है बच्चों टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन यानी एसेस्ड, वैल्यू है 53,000। उसके बाद बच्चों करंट ईयर लेना है हमें 18-19, उसके अंदर मेरे पास है सबसे पहले एडवांस टैक्स पेड 18-19 जिसकी वैल्यू है बच्चों 65,000। और उसके बाद पैराग्राफ में बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्स 31 मार्च 19 जिसकी वैल्यू है 70,000। आप देख सकते हो बच्चों सबसे पहले मैंने बुक में से कॉपी किया लास्ट ईयर का 3 वैल्यू बच्चों, और उसके बाद करंट ईयर की 2 वैल्यू, ये मैंने बुक में से कॉपी किया। अब इसे हाउ टू शो आपको दिखाना है, ठीक है? चलो अब बच्चों मैं आपके सामने वर्क कर रहा हूँ लास्ट ईयर के इन्फॉर्मेशन में। समझो कंपनी जब भी टैक्स पेमेंट करना हो बच्चों, उसके लिए सबसे पहले पैसे साइड में रखती है, प्रोविजन फॉर टैक्स। सबसे पहले कंपनी ने प्रोविजन यानी साइड में रखे है प्रॉफिट में से 60,000, उसमें से ड्यूरिंग द ईयर 53,000 पेमेंट कर दिया है, और उसके बाद सरकार ने टैक्स लायबिलिटी डिसाइड की है 53, ओके, और करंट ईयर का एडवांस पेमेंट कर दिया बच्चों 65 एंड प्रोविजन की हुए 70। अब इसकी असर देनी है बच्चों,
तो सबसे पहले मैं आपके सामने यहां आंसर देने जा रहा हूं बच्चों, ध्यान देना। नॉट नंबर वन, आउटस्टैंडिंग टैक्स लायबिलिटी ऑफ लास्ट ईयर कैसे गिना जाता है? तो सबसे पहले लास्ट ईयर टैक्स डिटरमाइंड या लिखा जाता है एसेस्ट, जिसकी वैल्यू है 53,000। अब 53,000 है बच्चों, उसमें से ऑलरेडी एडवांस टैक्स पेड किया हुआ है 53। जैसे आप लेस करोगे तो आपको मिलेगा आउटस्टैंडिंग टैक्स लायबिलिटी जनरली डेस्क, ठीक है, क्योंकि दोनों पेमेंट से एक किया है। उसके बाद बच्चों फिर से लिखना है नोट नंबर टू, टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइंड, सरकार ने डिसाइड किया है बच्चों 53,000, उसमें से आप देख सकते हो प्रोविजन फॉर टैक्स, हमने प्रोविजन फॉर टैक्स यानी साइड में रखे हुए हैं 60,000। अब मुझे बताओ, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ बच्चों, सबको आपको एक्टिवा लाना हो, एक्टिवा की शोरूम में उसकी प्राइस 53,000 और आपके पापा ने 60,000 बचा के रखे हो, तो आपके पास कितने बचेंगे? 7,000 बचेंगे। तो अगर टैक्स डिटरमाइंड माइनस करो और माइनस 7,000 आए तो इसे बोला जाता है सरप्लस या फिर एक्सेस, सरप्लस या फिर एक्सेस ऑफ टैक्स, ठीक है। ये वैल्यू बच्चों पीएनएल स्टेटमेंट में ऐड होगी, ओके, और ये वैल्यू बच्चों बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी में लिखी जाती है, पर यहाँ अमाउंट नहीं है। अब बच्चों हाउ टू शो के अंदर मैं आपके सामने पीएनएल और पूरा बैलेंस शीट बनाऊंगा, ध्यान से देखना बच्चों। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है, सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, उसमें बच्चों प्लस एड सरप्लस या एक्सेस फ्रॉम लास्ट ईयर टैक्स, ठीक है, और अगर बच्चों इंक्रीज हो तो लेस करना है इंक्रीज इन लास्ट ईयर टैक्स, ठीक है। उसके बाद बच्चों फिर से थोड़ी जगह छोड़नी है, लेस प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ करंट ईयर, और फिर यहाँ मिलेगा बच्चों आपको नेट प्रॉफिट। ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अब बच्चों उसके नीचे में बनाने जा रहा हूँ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर भी बच्चों आपको पूरा बैलेंस शीट नहीं बनाना है, सबसे पहले एक नंबर में इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके अंदर बच्चों शेयर कैपिटल जिसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, तीन नंबर में आएगा बच्चों करंट लायबिलिटीज, और उसके अंदर आएगा ए अदर करंट लायबिलिटीज, उसके अंदर बच्चों लेना है आउटस्टैंडिंग टैक्स ऑफ प्रीवियस ईयर, और बी में आएगा बच्चों शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्या है, अंदर आएगा बच्चों करंट ईयर प्रोविजन ऑफ टैक्स, ठीक है। इस प्रकार से आपको हाउ टू शो करना है, और बच्चों बैलेंस शीट का असेट्स पार्ट यहां कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, आप लोग समझ जाओगे कि ऐसी आशा रख रहा हूं। असेट्स के अंदर आएगा बच्चों ए नॉन करंट असेट्स, बी करंट असेट्स, उसके अंदर ए शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस, और फिर भी आएगा अदर करंट असेट्स, ठीक है। चलो बच्चों अब मैं आपकी एक एक वैल्यू इसके अंदर दिखाने जा रहा हूँ, खाली आपको हाउ टू शो करना है। क्वेश्चन का फॉर्मेट मैंने रेडी रखा है बच्चों, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, बराबर ध्यान से देखना। चलो रेडी बच्चों, चलो अब सबसे पहले बच्चों टैक्स डिटर्मिनेशन 53 है, उसमें से एडवांस पेमेंट किया 50, तो आउटस्टैंडिंग टैक्स कितना रहा? अगर ये होता तो अदर करंट लायबिलिटी में आता, यहाँ वैल्यू नहीं है डैश। टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन की 50,000, उसमें से प्रोविजन की लास्ट ईयर की 60, बचा 7,000 सरप्लस, तो उसे यहाँ प्लस कर दे रहे हैं सरप्लस फ्रॉम टैक्स। हाउ टू शो, शो हो गया। उसके बाद बच्चों यहाँ आना है करंट ईयर में, करंट ईयर एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, उसकी एक असर बच्चों अदर करंट से शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस में दोनों में चलेगा, ठीक है। अब उन्होंने लिखा है एडवांस टैक्स पेड
अदर करंट एसेट में वहाँ डाल देते हैं। वैल्यू बोलो बच्चों, मेरे ख्याल से आएगा 65,000। और उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर, उसके दो असर बच्चों। सबसे पहले पीएनएल अकाउंट में प्रोविजन फॉर करंट ईयर टैक्स 19, वैल्यू है बच्चों 70,000 यहाँ लेस। सेकंड इफेक्ट प्रोविजन फॉर शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर 70,000। अब बच्चों आपका पूरा आंसर है, देखो पढ़ लेता हूँ मैंने सही इफेक्ट दिया कि नहीं। इतना इफेक्ट देने के बच्चों 7 मार्क्स है और जनरल ऑप्शन हुआ तो 10 मार्क्स। प्रोविजन फॉर टैक्स 70,000 फॉर करंट विल बी शोन एज अ पीएनएल स्टेटमेंट एज अ शॉर्ट टर्म प्रोविजन। पीएनएल स्टेटमेंट में यस प्रोविजन ऑफ टैक्स करंट ईयर आ गया, उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन में भी आ गया। एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स 65,000 ड्यूरिंग करंट ईयर विल बी शोन अंडर द हेड ऑफ अदर करंट एसेट्स आ गया। उसके बाद टैक्स लायबिलिटी 50,000 द प्रोविजन ऑफ टैक्स 60 एंड देन द एक्सेस ऑफ 7,000 विल बी एडेड टू पीएनएल, ये भी ऐड कर दिया बच्चों। ये हो गया आपका सम नंबर 1 पेज नंबर 399, हाउ टू शो प्रोविजन फॉर टैक्स इफेक्ट इन पीएनएल एंड बैलेंस शीट। एकदम आराम से वीडियो पॉज कीजिए और बच्चों क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। नाउ वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 3 and 4। आप देख सकते हो बच्चों टेक्स्ट बुक की फोटो इमेज मैंने ले ली है, इसको आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, इसको फोटो खींच सकते हो। क्वेश्चन 3 ये भी बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड, क्वेश्चन 4 ये भी प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आपके पास 2019 के एंड का डेटा है जिसमें प्रोविजन फॉर टैक्स 75 है, इनकम टैक्स पेड किया है 72, पैराग्राफ में बच्चों इनकम टैक्स टैक्स लायबिलिटी लास्ट करीब फिक्स हुए 78 और टैक्स प्रोविजन 90,000। हाउ विल यू शो द अबव इंफॉर्मेशन, नीचे बच्चों को आंसर भी दिया हुआ है गुजरात यूनिवर्सिटी 17 में ये क्वेश्चन आ चुका है। इसका आंसर बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। साथ में बच्चों क्वेश्चन फॉर जितेंद्र सेम टाइप का क्वेश्चन, इसमें भी बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्स है लास्ट ईयर की 60, लास्ट ईयर का टैक्स पेमेंट है 50, करंट ईयर का एडवांस टैक्स पेमेंट है 65,000, पैराग्राफ में बच्चों 17-18 का टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइंड हुआ है 53, इनकम टैक्स प्रोविजन है 75। हाउ विल यू शो दिस इन फाइनल अकाउंट, तो दोनों क्वेश्चंस का डेटा है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लेना। इसके बाद मैं आंसर में भी आपको अच्छी तरह समझाऊंगा व्हाइट बोर्ड के अंदर। क्वेश्चन 3 और 4 दोनों बच्चों हम व्हाइट बोर्ड के अंदर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 ब्रैकेट में 2 पेज नंबर 400। आप देख सकते हो बच्चों ये पूरी मेथड के अंदर जो भी इफेक्ट देनी है मशीन जैसी, इसलिए मैंने प्रोफॉर्मा भी राइट डाउन किया हुआ है। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज द ट्रायल बैलेंस शीट ऑफ जितेंद्र लिमिटेड। आप बैलेंस शीट में देख सकते हो बच्चों प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 60,000, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स 50, एडवांस पेमेंट करंट ईयर 65, असेसमेंट फॉर द ईयर 17-18 हैज बीन कंप्लीटेड ड्यूरिंग द करंट ईयर एंड टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइंड 53,000, प्रोविजन फॉर रिपेयर 75। हाउ वुड यू शो द अबव इन्फॉर्मेशन इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ जितेंद्र गुजरात FY 2016। चलो बच्चों सबसे पहले करंट ईयर 19 है तो लास्ट ईयर होगा 18th, तो यहाँ बच्चों 18th का पूरा डेटा लिखना है। सबसे पहले टेबल में से प्रोविजन फॉर टैक्स, यस 1418 का मीनिंग होगा लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का टैक्स प्रोविजन यानी पैसे हमने साइड में रखे हैं 60, उसमें से एडवांस पेड किया हुआ है बच्चों 1418, ये भी लास्ट ईयर का एडवांस पेमेंट किया हुआ है बच्चों 50,000। और मेन है बच्चों टैक्स लायबिलिटी, पैराग्राफ के अंदर असेसमेंट फॉर द ईयर हैज बीन कंप्लीटेड ड्यूरिंग द टैक्स लायबिलिटी 53, असेसमेंट या सरकार ने डिसाइड किया हुआ फिक्स्ड अमाउंट, ये है बच्चों मेन 53। और उसके बाद बच्चों करंट ईयर 18 और 19, उसके अंदर टेबल में एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स किया हुआ है हमने 65,000, और उसके बाद पैराग्राफ में प्रोविजन फॉर टैक्स 18-19 का है 75। आप देख सकते हो बच्चों सेम आगे वाले सम की कॉपी, आप देख लो बच्चों 2 या 3 सम करोगे मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट पूरा रेडी हो जाएगा। और इसका PDF क्वेश्चन भी बच्चों मैं आगे वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करता हूँ, तो उसमें से भी आप अमाउंट ले सकते हो और यहाँ भी मैंने लिख लिया है, ठीक है। चलो इतनी अमाउंट है बच्चों, अब हाउ टू शो इन बैलेंस शीट दिखाना है। सबसे पहले दो वर्किंग नोट गिननी हमें, यस आउटस्टैंडिंग टैक्स लायबिलिटी लास्ट ईयर, जिसमें लास्ट ईयर टैक्स डिटरमिनेशन यानी एसेस्ड, उसमें से एडवांस पेमेंट लेस करना है। फिर से नोट नंबर 2 टैक्स लायबिलिटी डिटरमिनेंट, प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस करना है, तो मिलेगा हमें सरप्लस, एक्सेस वैल्यू या फिर इंक्रीज्ड इन टैक्स, ठीक है। और फिर पीएनएल स्टेटमेंट बनाना है बच्चों, और एक बैलेंस शीट के अंदर असर देनी है, तो उसके लिए मैं बना देता हूं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बच्चों पूरी नहीं आएगी, इसलिए मैं यहाँ हेडिंग के साथ कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ बच्चों नज़र देखना, यस बैलेंस शीट के अंदर बच्चों जो भी पॉइंट है उसकी असर देने के लिए मैं चेकिंग कर रहा हूँ, आप लोग बराबर नज़र ध्यान से देखना, यस अदर करंट असेट्स के अंदर ही है।
चलो सबसे पहले एक नंबर इक्विटी एंड लायबिलिटीज, दो नंबर नॉन करंट लायबिलिटीज, तीन नंबर करंट लायबिलिटीज। अब इसके अंदर बच्चों स्मॉल ए अदर करंट लायबिलिटी, उसमें हमेशा आएगा आउटस्टैंडिंग टैक्स ऑफ लास्ट ईयर। उसके बाद बी शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर आएगा बच्चों करंट ईयर टैक्स प्रोविजन। ये हो गया बच्चों हाउ टू शो इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। दो इफेक्ट हमें देनी है बच्चों, मैं चेक कर लेता हूँ वीडियो कटअप हो रहा है नहीं हो रहा है बच्चों। यस, इस तरफ असेट्स, असेट्स के अंदर सबसे पहले एक नॉन करंट असेट्स, दो करंट असेट्स, उसमें ए अदर करंट असेट्स, उसके अंदर बच्चों एडवांस टैक्स पेड, इतना हमें लिखना है। और यहाँ भी बच्चों मैं अगर ज़्यादा जगह यूज ना करूँ और इसको थोड़ा ऊपर ले लूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। यस, दो नंबर में बच्चों करंट लायबिलिटी, उसमें ए अदर करंट लायबिलिटी एंड बी शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है, अब इसके अंदर आएगा बच्चों आउटस्टैंडिंग टैक्स लायबिलिटी लास्ट ईयर एंड इसमें आएगा प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर। ठीक है, ये हो गया बच्चों हाउ टू शो इफेक्ट। अब ध्यान से देखना बच्चों, मैं वैल्यू लेने जा रहा हूं। सबसे पहले लास्ट ईयर के तीन वैल्यू उठाओ, मगज फिक्स कर दो बच्चों। साइड में रखे हुए पैसे 60, सरकार ने डिसाइड किया 50 दिया और उसमें से हमने पेमेंट किया है 50,000। सबसे पहले लास्ट ईयर टैक्स डिटर्मिनेशन, बोलो सरकार ने कितना टैक्स किया। सरकार कहे बच्चों लास्ट ईयर नो 53,000 टैक्स डिटरमाइन था, कैलकुलेट था, हमारी ऑलरेडी बच्चों 50,000 रुपये में पेमेंट कर दिया। अब कोई व्यक्ति को आपको 53,000 पेमेंट करना हो कोई वस्तु का बच्चों, उसमें से आपने 50,000 पेमेंट कर दिया तो बाकी कितना रहा 3,000। दिस इज कॉल आउटस्टैंडिंग टैक्स लायबिलिटी, चुकवानो बाकी वेरो। क्या लिखा है बैलेंस शीट के अंदर करंट लायबिलिटी में, अदर करंट लायबिलिटी के अंदर। यस, वैल्यू आएगी डेंजरस 3,000। ओके, आगे जाते हैं बच्चों। उसके बाद फिर से टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइंड हुई 53,000, हमने साइड में कितने रखे हैं बच्चों, फिर से साइड में रखे हैं 60,000। सरकार ने कहा 53 पेमेंट करना है बच्चों, हमने साइड में रखे हैं 60, तो यहाँ माइनस में आए उसे बोला जाता है पैसे बचे बच्चों, सरप्लस फ्रॉम टैक्स। तो अगर सरप्लस हो तो करंट ईयर के पीएनएल में प्लस करना, ये रहा पीएनएल स्टेटमेंट, उसमें बच्चों हमें ऐड कर देना है सरप्लस फ्रॉम लास्ट ईयर टैक्स प्लस 7,000। उसके बाद बच्चों ये लास्ट ईयर की एंट्री पूरी हुई, करंट ईयर के दो पॉइंट है, करंट ईयर का एडवांस टैक्स पेमेंट किया और उसे बोलते हैं अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी के अंदर ये रहा असेट साइड एडवांस टैक्स पेड करंट ईयर, वैल्यू 65,000। और उसके बाद बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्स 75,000, बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन ऑफ टैक्स में करंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स। और सेकंड इफेक्ट, करंट ईयर टैक्स कहाँ से पेमेंट करोगे, प्रॉफिट में से, ये रहा पीएनएल, वैल्यू नहीं है बच्चों पर उसमें से प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर की वैल्यू डिडक्ट होगी 75,000। दिस इज कॉल्ड सम नंबर 4, हाउ टू शो इफेक्ट। आप देख सकते हो बच्चों तीन चार क्वेश्चन करोगे, मशीन जैसे मेथड है बच्चों। फाइनल अकाउंट का पूरा सम ना करना हो तो ऑप्शंस में या बी में कई बार ऐसे छोटे सम्स काम लगते हैं। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और इसके बाद सम नंबर 4 लिख लीजिए नेक्स्ट के, उसके बाद मैं सम नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहा हूं। चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं फिर से क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 400 बच्चों, ओनली फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। कुछ अलग क्वेश्चन की वैल्यू है इसमें जो आपको समझाने के लिए मैं लेने जा रहा हूं। 3 और 4 दोनों का पीडीएफ आगे रखा हुआ है, इसका फोटो खींच देना बच्चों, अमाउंट लिख लेना और यहां भी मैं आपको पूरा क्वेश्चन समझा रहा हूं। अ कंपनी हैज अ फॉलोइंग बैलेंसेस ऑन 31st March 2019, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 75,000, इनकम टैक्स पेड फॉर द प्रीवियस ईयर 72,000, द इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर द प्रीवियस ईयर वॉज फिक्स्ड 78, यानी सरकार ने डिसाइड किया हुआ टैक्स, इनकम टैक्स प्रोविजन फॉर द करंट ईयर इज 99। हाउ वुड यू शो द अबव इन्फॉर्मेशन इन द कंपनीज फाइनल अकाउंट। सबसे पहले फिर से बच्चों यहाँ पिछला साल है 2018, पहला टेबल प्रोविजन फॉर टैक्स 1418, यानी लास्ट ईयर की प्रोविजन हमने किया हुआ है 75, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स या इनकम टैक्स पेड लिखा है, दोनों अलाउड है बच्चों, जिसकी वैल्यू है 72। और पैराग्राफ के अंदर बच्चों टैक्स लायबिलिटी फिक्स्ड हुई है 78, सरकार ने बोला है 78।
और करंट ईयर 18-19 के अंदर बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्स है, एडवांस पेमेंट नहीं है, ओनली वैल्यू 90,000। हाउ टू शो, ये क्वेश्चन है बच्चों इन फाइनल अकाउंट। आपको ये फाइनल अकाउंट में कैसे शो करना है बच्चों वो समझाना है। चलो सबसे पहला पॉइंट नंबर वन, नोट नंबर वन, यहां से बच्चों आंसर स्टार्ट हो रहा है। आउटस्टैंडिंग टैक्स लायबिलिटी के लिए सबसे पहले सरकार ने डिसाइड किया हुआ टैक्स, बोलो टैक्स लायबिलिटी सरकार ने कितनी डिसाइड की, 78। उसमें से हमने टैक्स कितना पेमेंट किया बच्चों, ऑलरेडी 78 में से 72 पेमेंट कर दी दू, तो आउटस्टैंडिंग टैक्स बाकी कितना रहा, 6,000। और जैसे आउटस्टैंडिंग टैक्स का चुकावानो बाकी भरो, क्या लिखा है बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज, उसमें करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटी में ये लिखा बच्चों 6,000। हाउ टू शो, सेकंड पॉइंट है बच्चों। उसके बाद टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइंड, ये रही 78, उसमें से हमने प्रोविजन कितनी की हुई है, तो हमने 75 प्रोविजन की हुई है बच्चों। अब सरकार बोल रहे हैं 78 पेमेंट करना है, हमने साइड में रखे 70, और कितना जरूरत पड़ेगा, 3,000। ये प्लस में आए तो इसे बोला जाता है इंक्रीज इन लास्ट ईयर टैक्स। ये क्या करोगे, पीएनएल स्टेटमेंट के अंदर लेस करोगे, किस में से, प्रॉफिट में से, उतना प्रॉफिट कम हो जाएगा। यस, लेस 3,000, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ अलग आया, देखो बच्चों अब वैल्यू प्लस में आई तो मैंने माइनस किया, माइनस में आया तो सरप्लस समझ के ऐड करना है। अब करंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स 90,000, उसकी दो असर बच्चों, सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों टैरिफिक 90,000। सेकंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस करंट ईयर, उसके प्रॉफिट में से डिडक्ट करना है, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर 75,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया बच्चों आपका अनदर सेकंड क्वेश्चन, सम नंबर 3, हाउ टू शो इफेक्ट ऑफ पीएनएल बैलेंस शीट फॉर टैक्स। वीडियो पॉज करो बच्चों और एकदम आराम से दोनों क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। Now we are taking sum number 5, Jigar Limited. ये सेम क्वेश्चन है बच्चों, पर यूनिवर्सिटी नवंबर 18 में आ चुका है, नीचे पूरा आंसर लिखा हुआ है। क्वेश्चंस में खाली समझा देता हूँ, सेम बच्चों 2019 का हमें डेटा है, 19 के लिए बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्स 18, लास्ट ईयर का प्रोविजन है 90, उसमें लास्ट ईयर का टैक्स पेमेंट हुआ है 75, टैक्स पेमेंट करंट ईयर का एडवांस है 1,00,000। पैराग्राफ में बच्चों टैक्स डिटर्मिनेशन या असेसमेंट है लास्ट ईयर का 85, करंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स है 120। सेम बच्चों हाउ विल यू शो दिस ट्रांजेक्शन इन फाइनल अकाउंट, तो बच्चों पीएनएल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। सेम बच्चों आगे हमने जो तीन क्वेश्चन किए वैसे ही मैं आपको सम नंबर 5 करवा रहा हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूरी 5 या 6 लाइन है बच्चों, इसको हाउ टू शो इन पीएनएल बैलेंस शीट नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम व्हाइट बोर्ड पे देखने जा रहे हैं। चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, होमवर्क में इल्यूस्ट्रेशन 1, पेज नंबर 401। सेम फॉर्मेटिंग है बच्चों, मैंने खाली वैल्यू निकाली है, पर ये क्वेश्चन थोड़ा हटके मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान देना। फॉलोइंग बैलेंसेज आर अवेलेबल फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस शीट ऑफ जिगर लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2019, प्रोविजन फॉर टैक्स लास्ट ईयर की 90, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स 75, टैक्स पेड इन एडवांस अगेन 1,00,000, ड्यूरिंग द इनकम टैक्स असेसमेंट 17-18 कंप्लीटेड, टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइंड 85, प्रोविजन फॉर टैक्स 720। हाउ टू शो इन फाइनल अकाउंट गुजरात FY 18, 100% होपिंग फॉर बच्चों 22-23। चलो सबसे पहले बच्चों वैल्यू डाल दूं मैं, सबसे पहले फिर से लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन है 2018, सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स 1,418, जिसकी वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है बच्चों 90,000। उसके बाद है टैक्स पेड इन एडवांस, वो भी 1,418 का ही लेना है, दिख रहा है मुझे 75। पैराग्राफ के अंदर मुझे टैक्स लायबिलिटी डिटर्मिनेशन दिख रहा है 85, ये हो गया बच्चों लास्ट ईयर। अब मुझे लेना है करंट ईयर, करंट ईयर में मुझे प्रोविजन फॉर टैक्स पैराग्राफ में दिख रहा है बच्चों 120, और एडवांस टैक्स पेड उसकी करंट ईयर की वैल्यू दिख रही है बच्चों 1,00,000। यस, ये मैंने क्वेश्चन के लिए टेक्स्ट बुक साइड में रखी बच्चों, यहां आपको डिसाइड करना है हाउ टू शो। चलो नजर बोर्ड पे बच्चों, सेम सबसे पहले नोट नंबर 1, आउटस्टैंडिंग टैक्स लायबिलिटीज, सबसे पहले हमें लेना है लास्ट ईयर टैक्स डिटर्मिनेशन, सबसे पहले गवर्नमेंट ने डिसाइड की वैल्यू मेन है, यहां भी नीचे लेना है टैक्स डिटर्मिनेशन 85। अब उसमें से एडवांस पेमेंट कितना किया है, तो इनकम टैक्स पेमेंट किया है लास्ट ईयर का 75, 85 किसी को पेमेंट करना हो बच्चों और उसमें से आपने 75 पेड कर दिया हो, तो आउटस्टैंडिंग टैक्स कितना बाकी रहा,
10,000 इज द आउटस्टैंडिंग टैक्स लायबिलिटी, कहाँ लिखोगे? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ये रहा आउटस्टैंडिंग टैक्स लायबिलिटी ऑफ लास्ट ईयर, वैल्यू आएगी बच्चों डेंजरस 10,000। उसके बाद बच्चों टैक्स डिटर्मिनेशन 85 है, आपने साइड में रखा हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स है 90,000। अब बच्चों 85 किसी को देना हो, सपोज समझो एक्टिवा खरीदना है, सरकार ने बोला 85 में मिलेगा, आपने 90,000 बचा के रखे हो बच्चों, तो कितना पैसा बचेगा? तो माइनस में 5,000 आए तो इसे बोला जाता है सरप्लस फ्रॉम टैक्स या एक्सेस टैक्स। ये कहाँ लिखोगे बच्चों? पीएनएल में ऐड हो जाएगा। ये रहा पीएनएल स्टेटमेंट, सरप्लस एक्सेस ऑफ लास्ट ईयर प्लस 5,000। ठीक है, यहाँ बोले माइनस लिखा हो प्लस हो जाएगा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हेडिंग है करंट ईयर की वैल्यू। करंट ईयर की वैल्यू का एकदम इजी पॉइंट, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स 1,00,000, बैलेंस शीट के अंदर अदर करंट असेट्स के अंदर एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स 1,00,000। और उसके बाद बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, दो असर, करंट ईयर का प्रॉफिट है उसमें से इसे अलग किया जाता है, वैल्यू है 120। और उसके बाद बच्चों बैलेंस शीट के अंदर शॉर्ट टर्म के प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर 1,20,000। ये हो गया बच्चों आपका फोर्थ क्वेश्चन इन अ रो, हाउ टू शो इफेक्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स इन बीएनएल एंड बैलेंस शीट। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और एकदम आराम से नोट डाउन कर लीजिए। चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, प्रोविजन फॉर टैक्स इफेक्ट फ्रॉम मटेरियल कॉपी। पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। फॉलोइंग बैलेंसेस आर टेकन फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस शीट ऑफ हार्डी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2013 फ्रॉम मटेरियल कॉपी गुजरात यूनिवर्सिटी December 14। तो हार्डी लिमिटेड का बच्चों हमारे सामने डेटा प्रेजेंट हो रहा है, टेबल के अंदर बच्चों नेम ऑफ अकाउंट्स डेबिट क्रेडिट रुपीज, सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स 1,40,000 यानी लास्ट ईयर के पैसे साइड में रखे हो 17,000, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स उसमें से 12,000 पेमेंट कर दिया है बच्चों, करंट ईयर का एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स 18,000, इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बच्चों, इसे शॉर्ट में TDS कहा जाता है, डेबिट क्रेडिट बैलेंस ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस। ये बच्चों कुछ टेबल के अंदर लास्ट दो नए पॉइंट ऐसा कह सकते हैं। नाउ इन पैराग्राफ, अब बच्चों हम पैराग्राफ में देखने जा रहे हैं, असेसमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम टैक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर 2011-12 was completed during the current year and income tax liability of rupees 19,000 has been determined. So last year ka tax liability assessed ya fix hua hai bachcho 19,000. Current year profit of the company is 42,000. Company has made provision for income tax 50% of the current year profit. तो बच्चों करंट ईयर का प्रॉफिट 42,000 है, खुद का 50% यानी 21,000 प्रोविजन फॉर टैक्स होगा। ये कुछ नए करने की क्रोसिस From the above information, pass necessary general entries and show effect of balance sheet, final balance sheet of company. तो बच्चों हमें entries यहाँ मांगी है, पर बच्चों पुराने syllabus में, नए syllabus में मात्र how to show effect in final accounts हमें देखना है। तो ये question बच्चों specially मैंने material copy में से लिया, उसका reason है TDS के दो point, debit credit and profit and loss का opening balance। अभी बच्चों next slide में मैं video lecture के अंदर white board में पूरा question समझाऊंगा। और यहाँ बच्चों आपको समझना हो तो TDS का डेबिट बैलेंस है वो असेट साइड जाएगा और TDS का क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी साइड जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों हम व्हाइट बोर्ड के ऊपर पूरा क्वेश्चन समझने जा रहे हैं। चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 2 मटेरियल कॉपी के अंदर पेज नंबर 78 गुजरात 15 मटेरियल कॉपी में है बच्चों। और मटेरियल कॉपी सबके पास नहीं होगी तो इसका बच्चों लिंक पीडीएफ में रखा होगा या आगे वीडियो के आगे मैं इसका पीडीएफ क्वेश्चंस आपको समझाने के लिए रख दूंगा। ठीक है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस ऑफ हार्दी लिमिटेड, टेबल के अंदर बच्चों मुझे प्रोविजन फॉर टैक्स दिख रही है, 2013 करंट ईयर है, 2012 यानी लास्ट ईयर, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स लास्ट ईयर, एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स लास्ट ईयर, इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस, असेसमेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ इनकम टैक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर वॉज कंप्लीटेड, टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइंड 19,000, करंट ईयर प्रॉफिट इज 42, द कंपनी हैज मेड प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 50% ऑफ करंट ईयर। फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन पास नेसेस जनरेट इफेक्ट इन फाइनल अकाउंट। एंट्रीज बच्चों सिलेबस में नहीं, हमें खाली हाउ टू शो इफेक्ट देनी है। चलो सबसे पहले बच्चों यहाँ ये जो पिछला साल है ये सम के अंदर 2012 है और करंट ईयर है बच्चों 2013, 12 यानी 11 12 कह सकते हैं और यहाँ 13 यानी 12 13।
13, थोड़ा आराम से करना होगा बच्चों, सम के अंदर कुछ नया है। सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स 1,4,12 यानी लास्ट ईयर के ओपनिंग में साइड में रखे हुए पैसे है 17,000। इनकम टैक्स पेड 12,000, लास्ट ईयर का बच्चों पेमेंट किया हुआ है 12,000। और पैराग्राफ के अंदर बच्चों सरकार ने 11-12 का टैक्स डिटर्मिनेशन 11-12 का किया हुआ है 19,000। और उसके बाद बच्चों इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इनकम टैक्स एट सोर्स, अब उसमें बच्चों डेबिट के अंदर वैल्यू है 800 और क्रेडिट के अंदर वैल्यू है 1200। अब ना इसमें लिखा है बच्चों करंट ईयर, ना लिखा है प्रीवियस ईयर। उसके बाद बच्चों करंट ईयर के अंदर पैराग्राफ के अंदर नहीं टेबल के अंदर एडवांस टैक्स पेमेंट किया हुआ है 18,000। प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए पैराग्राफ में 42,000 प्रॉफिट है और उसके ऊपर 50% टैक्स प्रोविजन है। 42,000 प्रॉफिट है, उसका 50% टैक्स ले लो, करंट ईयर का टैक्स लोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 21,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों इसको आपको दिखाना है हाउ टू शो इन P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। चलो सबसे पहले बच्चों ये नया पॉइंट खाली इनकम टैक्स टैक्स है, वैल्यू सारी लिख दी है मैंने, मैं पूरा ट्राई कर रहा हूं आपको समझाने का, सेम लास्ट में लास्ट चार सम की तरह। लास्ट ईयर टैक्स डिटर्मिनेशन, सरकार ने डिसाइड की हुई टैक्स वैल्यू 19,000, उसमें से हमने एडवांस पेमेंट किया हुआ बच्चों 12,000, तो आउटस्टैंडिंग टैक्स बाकी कितना रहा बच्चों, तो 5,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ आउटस्टैंडिंग टैक्स। ठीक है, अब बच्चों ये दिक्कत ना हो हेडिंग में इसलिए मैं ऊपर का हेडिंग निकाल देता हूँ और इसको और थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, अदर करंट लायबिलिटी। ठीक है, उसके बाद बच्चों फिर से टैक्स लायबिलिटी डिटर्मिनेशन लिखना है 19, उसमें से साइड में कितने रखे हुए हैं 17,000, तो कितने कम पड़े, तो उसमें लिखना है इंक्रीज इन टैक्स 2,000। कहाँ से इंक्रीज करोगे बच्चों, ये P&L में से, P&L अकाउंट में से हमें लेने हैं, तो प्रॉफिट में से लेस होगा इंक्रीज इन करंट ईयर टैक्स लास्ट ईयर टैक्स वैल्यू 2,000। उसके बाद बच्चों ये नया पॉइंट है इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। अब आप सबको इतना पता होगा डेबिट बैलेंस हमेशा असेट्स नु है और क्रेडिट बैलेंस हमेशा लायबिलिटी का होता है, तो डेबिट वैल्यू है बच्चों वो असेट से जाएगी बैलेंस शीट में असेट्स के अंदर अदर करंट असेट्स में। इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स डेबिट वाला वैल्यू आएगी बच्चों 800 रुपये और ये 1200 क्रेडिट वैल्यू है बैलेंस शीट के अंदर अदर करंट लायबिलिटी में आएगी। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स वैल्यू है बच्चों मेरे ख्याल से 1200 क्रेडिट बैलेंस हमेशा लायबिलिटी में। उसके बाद सेम एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स बैलेंस शीट के अंदर लिखेंगे बच्चों, यस ये है बैलेंस शीट असेट साइड कर अदर करंट असेट्स में, एडवांस पेमेंट करंट ईयर का है बच्चों 18,000। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का प्रॉफिट है उसके ऊपर 50%, 21,000। दो असर करंट ईयर का P&L स्टेटमेंट है वो बच्चों यहाँ उसके ऊपर से हमें लेना है 21,000। और उसके बाद बच्चों बैलेंस शीट के अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर 21,000। और उसके बाद बच्चों मुझे दिख रहा है ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L कहाँ गया, यस ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L सम में बच्चों वो लिखना रहेगा, मैं इसको टपका देता हूँ, यस ये खाली नया पॉइंट है ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L जिसका वैल्यू है 1,424,000। इसको कहाँ दिखाओगे बच्चों, तो करंट ईयर का प्रॉफिट है उसमें ऐड कर देना है प्लस ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L जिसकी वैल्यू है बच्चों 24,000। दिस इज कॉल सम नंबर 2 हार्डली लिमिटेड मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कह सकते हैं बच्चों। तो इसके अंदर खाली नया पॉइंट आया है हाउ टू डिडक्टेड टैक्स एट सोर्स, TDS कैसे काटा जाता है। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद बच्चों मैं कुछ MCQs है जो आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं टेक्स्ट बुक में से। यस बच्चों वीडियो पॉज करके पहले नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, यस। चलो बच्चों मैं एक दो MCQs छोटे छोटे प्यारे प्यारे टेक्स्ट बुक में से करवाने जा रहा हूं आपको। टेक्स्ट बुक के अंदर है बच्चों पेज नंबर 397 MCQ नंबर 2। ठीक है,
मैं क्वेश्चन रीडिंग करके आपको समझा देता हूँ बच्चों। 6% डिबेंचर की वैल्यू है आपके पास, 6% के डिबेंचर की वैल्यू है मेरे पास 6 लाख। उसके बाद है डिबेंचर इंटरेस्ट ऑलरेडी गिवन, जिसकी वैल्यू है 12,000। वॉट अमाउंट ट्रांसफर टू PNL, क्वेश्चन है बच्चों वॉट अमाउंट ट्रांसफर टू PNL। अब PNL में कौन सा अमाउंट ट्रांसफर करेगा, और नियम क्या है बच्चों, PNL में टोटल डिबेंचर इंटरेस्ट लिखा जाता है, तो PNL अकाउंट की वैल्यू लेनी हो बच्चों तो 6 लाख के ऊपर 6% ले लो, 6 लाख वैल्यू है, 6% लोगे तो आंसर आएगा 36,000 रुपये। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन आएगा बच्चों सी, ऐसे की अकाउंट किया जाता है हाउ टू पे डिबेंचर इंटरेस्ट इन PNL। उसके बाद बच्चों आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 ले रहा हूं मैं, जो जरूरी है वही क्वेश्चन ले रहा हूं, पेज नंबर है 398। चलो बराबर ध्यान से देखना, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। इफ इन ट्रायल बैलेंस शीट डिबेंचर इंटरेस्ट ऑफ 1 लाख एंड इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर पेड इज फाइन, देन व्हाट इज डेबिटेड टू PNL। फिर से देखो बच्चों, 10% के डिबेंचर है हमारे पास 1 लाख रुपये, ऑलरेडी इंटरेस्ट पेड किया हुआ है 5,000। अब कितना इंटरेस्ट बच्चों PNL में आएगा, तो PNL अकाउंट का जो भी इंटरेस्ट है इक्वल टू डिबेंचर की बुक वैल्यू 10% रेट, आंसर आएगा 10,000, ऑप्शन आएगा बच्चों बी। तो आपको याद रखना है हमेशा PNL में डिबेंचर इंटरेस्ट की टोटल वैल्यू ली जाती है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, MCQ 11, अच्छा MCQ है बच्चों, पेज नंबर 398, सेम पेज कंटिन्यू है। द कंपनी हैज अ 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 8 पेड अप, इंटरिम डिविडेंड पेएबल इन 10% विल बी। अब इंटरिम डिविडेंड काउंट करना हो बच्चों, तो इंटरिम डिविडेंड हमेशा पेड अप कैपिटल पे लिया जाता है, तो यहां 10,000 शेयर इंटू 8 लोगे, 80,000 पेड अप कैपिटल आएगी, जिसके ऊपर डिविडेंड का रेट है बच्चों 10%, वैल्यू आएगी 8,000, और आंसर में ऑप्शन आएगा बच्चों ए, दिस इज कॉल्ड MCQ 11। उसके बाद बच्चों एक और MCQ रह जाता तो मैं ले लेता हूँ जिससे हमें दुख ना हो, MCQ नंबर 9। ट्रायल बैलेंस शीट ऑफ कंपनीज एज अंडर, जिसमें 6% की बैंक लोन है, ट्रायल बैलेंस शीट का डेटा उसमें बैंक लोन है बच्चों 3 लाख। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ए बी आपेलू है बच्चों 6,000। विच अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू डी डेबिटेड टू PNL, इसमें से कौन सा इंटरेस्ट PNL इंटरेस्ट होगा, तो फिर से बच्चों सेम डिबेंचर की तरह बुक वैल्यू 3 लाख लोन की, 6% ब्याज ले लो, ये हो गया 18,000 टोटल इंटरेस्ट PNL में। अब बच्चों हमारा क्वेश्चन बदला है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट, हाँ इंटरेस्ट अमाउंट फॉर बैलेंस शीट मांगे तो कैसे लोगे, तो टोटल इंटरेस्ट 18,000, उसमें से 6,000 ऑलरेडी पेड है बच्चों, तो बाकी कितना रहा, ये 12,000 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बैलेंस शीट के अंदर अदर करंट लायबिलिटी में आएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बच्चों मैंने आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन सिखा दिया। उसके बाद बच्चों लगभग सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, फिर भी एक आध क्वेश्चन रीडिंग का हो तो मैं ले लेता हूं। MCQ नंबर 8, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स कंप्यूटेड ऑन, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स है ना ऊपर गणा बच्चों, तो उसमें आंसर आएगा ए प्रपोज्ड डिविडेंड। उसके बाद है बच्चों MCQ नंबर 12, जो इंपॉर्टेंट MCQ मैं ले रहा हूं, द अनपेड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर विल बी शोन अंडर द ब्लैंक हेड, अब भी सिखाया बच्चों, बोलो आउटस्टैंडिंग अनपेड इंटरेस्ट क्या लिखा है, तो बैलेंस शीट के अंदर अदर करंट लायबिलिटी में। MCQ नंबर 13, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है बच्चों, द प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स शोन अंडर द हेड, प्रोविजन फॉर टैक्स क्या लिखी आ जाए तुम्हें, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, आंसर आएगा ए शॉर्ट टर्म प्रोविजन। और लास्ट MCQ है बच्चों 14 टेक्स्ट बुक का, ऑन द फॉलोइंग विच आइटम इज नोन एज अ कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी अनपेड डिविडेंड ऑफ अ कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर, आंसर आएगा बच्चों ए अनपेड क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। ये हो गया बच्चों आपके आउटस्टैंडिंग MCQs ऑफ टेक्स्ट बुक, एकदम आराम से बच्चों वीडियो पोज कीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ तक रखते हैं बच्चों। ये पूरे लेक्चर का मेरा टारगेट
फाइनल अकाउंट का ऑप्शन पार्ट आपको पावरफुल करना है, जिसमें सारे एमसीक्यूज आ गए बच्चों, और प्रोविजन फॉर टैक्स स्पेशल मेथड के मैंने सारे सम ले लिए हैं। ठीक है बच्चों, ऑनलाइन आप लोग दोड़ो मोर का यूज कीजिए और अच्छी तरह तैयारी कीजिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस।